हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं पतंग दिखाने जा रहा हूँ, ये सब कोलकाता मेकर से। इसमें कई कारीगर का पतंग मैं दिखाऊंगा जो मेरे कलेक्शन से है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ डिज़ाइन काइट्स आप लोगों को दिखाऊंगा। इसमें कोलकाता का जो टॉप कारीगर है उनका पतंग मैं दिखाऊंगा आज। जो मैं स्टार्टिंग में दिखाने जा रहा हूँ, ये है अकबर नदीम, जो यंग काइट मेकर है कोलकाता का। बहुत ही बढ़िया पतंग बनाते हैं, और ये अद्धी पतंग है उनका। तो देखिए गाइस, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अकबर नदीम ये अकबर नदीम का अद्धी पतंग है। अकबर नदीम ये भी अकबर नदीम का थी। अकबर नदीम अद्धी वीडियोटा एक लंबा होते बारे, बट मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आखिर तक जुड़े रहे। अकबर नदीम का पता अकबर नदीम अद्धी अकबर नदीम अद्धी पतंग अकबर नदीम बहुत ही बढ़िया पतंग फिनिशिंग के साथ। ये भी अकबर नदीम का पतंग देखिए गाइस। ये जो पतंग मेरे पास है, सब मेरे अपना कलेक्शन के लिए रखा हुआ है जो मैं यूज करता हूँ। अकबर नदीम मुझे बहुत अच्छा लगता है, अकबर भाई का पतंग यूज करने में। अब ये पौना टाइट अकबर नदीम, ये जो पतंग देख रहे हैं पौना पतंग है अकबर नदीम का। ये सब पतंग मैंने वासिफ भाई से लिया है, वासिफ भाई अंडा वाला। ये भी अकबर नदीम काइट्स, ये रिसेंटली मैंने लिया है अकबर नदीम का पतंग वासिफ भाई से। बहुत ही अच्छा पतंग है। फिनिशिंग देखिए, गोल फर्मे में दूर के पेज के लिए बहुत सही है। ये सब अकबर नदीम का गोल फर्मे में। ठड्डे में सिकाई देखिए, बहुत ही बढ़िया पतंग। अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं, ये है पॉटिस। ये वासी भाई ने मुझे दिया था। कोई तो एटा के एक तेल बोले। बहुत ही छोटा पतंग पॉटिस का। ये देखिए पॉटिस का, ये तो बंगाली में हम साढ़े सातस बोलते हैं, साढ़े सातस बोलिए हमने। एगलो आप लोग को घुटाई वर्क देखिए, इसमें घुटाई का काम किया हुआ है, कितना बारीकी से बनाया है पॉटिस।
जो कोलकाता का मेकर है, बहुत बढ़िया पतंग बनाते हैं। पॉटिस, ये भी पॉटिस का पतंग, ये भी पॉटिस का पतंग हद्दी है। कमाली देखिए पतंग का, ये पौना पतंग पॉटिस का। फरमा देखिए पतंग का, गोल फरमे में, इससे आप कितने भी दूर लेके जाओ, बढ़िया पतंग पॉटिस का। ये भी पॉटिस का मांग पे, बहुत बढ़िया पतंग। ये भी पॉटिस का देखिए आप लोग, ये है पॉटिस का मोहर, आप देख सकते हैं पॉटिस का स्टिकर हुआ। और ये वासी भाई से जिनसे मैंने लिया है पतंग पॉटिस का, और ये तो उनका स्टाइल है, ये दो तो हर पतंग में उनका ये ट्रेडमार्क है। ये भी देखिए पॉटिस का पतंग, ये सब कोलकाता के मशहूर मेकर है, और इतने आसानी से आपको ये पतंग नहीं मिलने वाला है, पॉटिस का पतंग। अब मैं जो पतंग आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, ये बाघादा है, ये बहुत पुराने काइट है, ये बाघादा का जो वासिफ भाई ने मुझे दिया है, बहुत पुराने पतंग है ये बाघादा का। बागादा जो सोनिक काइट के नाम से जाना जाता है, सोनिक काइट, ये उनका गुड्डी है बागादा। ये भी बागादा का पतंग, सोनिक काइट, जो हावड़ा में रहता है बागादा, बहुत बढ़िया पतंग बनाते हैं बागादा का पतंग। ये भी देखिए बागादा का पतंग, कोरीवार देखिए, अलग अलग टाइप का कोरीवार है इसमें। कैमरा में आप लोगों को दिख पा रहा है या नहीं मुझे पता नहीं, मगर बहुत ही अच्छा पतंग है। ये सब जो पतंग आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये अपना कलेक्शन से आज निकाला है, थोड़ा धूप धूप लगाया था तो थोड़ा हमको भी टाइम मिल गया दिखाने के लिए, तो सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर दूं। ये भी बागादा का पतंग है, देखिए कोड़ी वर्क देखिए इसमें, कमानी देखिए एकदम शानदार, टॉप थर्डा दोनों ही बागादा का पतंग। अब जो दिखाने में जा रहा हूं वो है विलियम का पतंग, विलियम का दी, बहुत पुराने काइट से ये विलियम का दी। ये देखिए विलियम का पतंग, गांठ कमानी पे, सब में गांठ है, इसमें गांठ है, गांठ कमानी। भारी पतंग है, बहुत अच्छा पतंग है। और ये जो बांस यूज करते हैं, ये मूली बांस है, असम का जो सबसे टॉप बांस जो कहते हैं जाना जाता है, तो इस बांस का बना हुआ है,
बहुत ही बहुत पुराना पतंग है ये, पौना पतंग विलियम, जो बहुत फेमस कारीगर है कोलकाता का, विलियम का पतंग। ये भी विलियम का पतंग। विलियम का पतंग ये बैम्बू पेपर में बनाया गया है, विलियम का पतंग, बहुत पुराने काइट से, ये बहुत पुराने काइट विलियम का, देख पा रहे आप विलियम का पतंग। ये भी विलियम का पतंग। ये सब विलियम का पतंग है, विलियम का पतंग। बहुत पुराने काइट्स हैं, देखिए पत्ते कैसे हो गया है, विलियम का पतंग है। सब विलियम का काइट्स है। देखिए कुड़ी और देखिए, इसमें बहुत पुराने और सब गाठ कमानी में, यह अद्दी भी गाठ कमानी में बनाता है और पौना में भी गाठ कमानी में बनाता है, सब गाठ कमानी। इधर देखिए यहाँ पे भी गाठ है, यहाँ पर भी गाठ है, सब गाठ कमानी के बनाते हैं। अब जो पतंग मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये प्रोभासदा का पतंग है, प्रोभासदा जो गार्डन रिच जगह है कोलकाता में, एक तो प्लेस है वहां पे रहते हैं प्रोभासदा का अद्धी। ये देखिए प्रोभासदा का अद्धी, प्रोभासदा जो इसमें मोहर लगाता है कोलकाता 24, प्रोभास काइट, प्रोभासदा का अद्धी। सर प्रोभासदा का पतंग, प्रभासदा भी गाठ कमानी में बनाता है, ये देखिए अद्धी पे भी गाठ कमानी में बनाया गया है प्रभासदा का पता। ये पौना पतंग है प्रभासदा का, बहुत ही अच्छा पतंग है गोल फरमे में, ये पतंग प्रभासदा ने दिया है मुझे, कुछ बना के दिया था। इनका भी पतंग आपको ज्यादा इजीली नहीं मिल पाएगा, इनका भी बहुत उम्र हो गया है, प्रवास्ता का पता नहीं, पौना पता प्रवास्ता। प्रवास्ता का पता मैं जो कारीगर दिखाने जा रहा हूं, यह है चिंटू काइट, चिंटू का पतंग है जो कोलकाता का मेकर है चिंटू, चिंटू का पतंग। बहुत ही अच्छा पतंग है ये चिंटू काइट मेकर कोलकाता।
ये तपनदा का पतंग है, तपनदा जो कोलकाता का मेगा है, तपनदा तपनदा का पतंग है। बहुत कम ही पतंग बनाते हैं, तो ये कुछ पतंग वासी भाई ने मुझे दिया था, तो मुझे हर कारीगर का पतंग रखने का एक तो शौक है, इसलिए मैं कुछ कुछ पतंग इन तपनदा का भी रखा हुआ है मेरे पास। ये पतंग भी देखिए आप, ये भी तपनदा का पतंग है, मगर ये गाट कमानी पे बना हुआ है। ये देखिए गाट, कोलकाता का मेकर्स का दिखाया और कानाइदा का ना दिखाया तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ये है कानाइदा जो बेहाला में रहते हैं, कानाइदा का पतंग, कानाइदा बहुत ही शानदार पतंग बनाते हैं। कानाइदा देखिए, कानाइदा का पतंग, कानाइदा का पतंग बहुत ही शानदार पतंग कानाइदा। ये भी कुछ कनाडा का पतंग, देखिए देखिए पूरा गोल फरमे में, दूर के पेज के लिए एकदम सही है। अब जो पतंग मैं दिखाऊंगा ये है शायुन, कोलकाता का एक तो मेकर है शायुन, ये देखिए उनका मोहर, कोलकाता का मेकर, ये भी बहुत अच्छा पतंग बनाते हैं, तो इनका भी पतंग मेरे पास है, शायन शायन का पतंग है ये। अच्छा अब जो दिखाने जा रहा हूं ये है नासिरदा, नासिरदा कोलकाता में जो सभी जानते हैं उनको, तो शौक में पतंग बनाते, बहुत बढ़िया पतंग बनाते, ये तो बहुत ही कम पतंग बनाते, तो ये पतंग मुझे दिया था, बहुत ही कम पतंग बनाते हैं, नासिरदा इनका मोहर है, नासिरदा, नासिरदा का पतंग है ये। ये है आशीष काइट मेकर कोलकाता का, आशीष अति पतंग इनका पतंग है। इनका नाम है काली काइट, जो हावड़ा में रहता है, काली काइट इनका अति पतंग, ये मेरे एक तो भाई ने दिया था मुझे काली काइट, ये भी अच्छा पतंग है, अद्धी पतंग है। ये है बिशु काइट, कोलकाता का मेकर बिशु दा, बिशु काइट, यहाँ पे देखिए इनका फोटो भी लगा हुआ है, बिशु काइट लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर नीचे दिया हुआ है, इसका शेप ही अलग है, चील का टाइप है शेप, बिशु काइट। ये भी लग रहा है, और ये जो मेकर है ये बहुत बुजुर्ग मेकर है, धोनादा, तो सब तो नाम कोलकाता में जो रहते हैं सब तो जानते हैं धोनादा को, बाहर भी इनका नाम है, इनका हुड्डी भी बाहर जाता है धोनादा। ये देखिए उनका स्टैम्प धोनादा कोलकाता, ये अद्धि पतंग है धोनादा का। अब जो दिखाने जा रहा हूं ये है विंटेज काइट, इनका नाम है आलू काइट मेकर, जो कोलकाता के काइट मेकर थे, ये गुजर गए, बहुत दिन हो गया है, तो बहुत ही कम लोगों के पास अभी है इनका पतंग, तो ये तो विंटेज काइट में चला जाता है, तो ये भी मेरे पास है आलू, देखिए यहाँ पे इनका मोहर है, आलू काइट बहुत पुराना, ये लगभग 14-15 साल तो हो ही जाएगा, कंडीशन देख के पतंग आपको लगेगा नहीं, मगर यकीन मानिए ये बहुत पुराना पतंग है, क्योंकि ये गुजर गए नियर अबाउट 8 साल से ऊपर हो गया है। ये इसका नाम है अशोक, अशोक ये भी अच्छी पतंग है। अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं कुछ डिजाइन काइट्स,
जो साकिल भाई जो है, साकिल भाई जो है उनका पतंग ये है, नाजिब भाई, नाजिब रहमान, सॉरी आपको साकिल भाई का दिखाएंगे, पहले नाजिब भाई को दिखा देते हैं। नाजिब भाई का ये पतंग है, नाजिब रहमान। साकिल भाई का पतंग दिखाए, इससे पहले कुछ शारिक भाई का पतंग दिखाए थे, ये हमको गिफ्ट किया था शारिक भाई ने, शारिक भाई ने गिफ्ट किया था। देखिए डमरू में ये पतंग थोड़ा टूट गया है, डमरू में ये देखिए, ये पतंग हमें शारिक भाई ने दिया था, बहुत ही अच्छा पतंग है ये, शाही भाई ने दिया था। अब कुछ पतंग दिखाते हैं, ये है नजीब रहमान जी ने बनाया है मेरे लिए, माराडोना का एक, जो इंटरनेट में सभी ने देखा है, बहुत बढ़िया पतंग बनाया है नजीब रहमान। देखिए इसमें जोर का काम किया हुआ है, कोई प्रिंट नहीं है, पूरा जोर का काम किया है इसमें, अब देख लीजिए फिनिशिंग देखिए। अब ये शकील अंसारी का अधीन, ये भी शकील अंसारी का अधीन, बहुत ही कम पतंग बनाते हैं, और जो भी पतंग बनाते हैं सब डिजाइन का इसमें बनाते हैं, गाट कमानी पे है, देखिए इधर भी गाट कमानी, उधर भी गाट कमानी, ये देखिए शकील भाई का पतंग डिजाइन देखिए आप, ये अदीप है, ये पौना से भी बड़ा है, डिजाइन काइंड ऑफ शकील अंसारी, देखिए डिजाइन देखिए, ये 3D स्टार के ऊपर 3D स्टार बनाया है पूरा गोल फॉर्म में, बहुत ही कम पतंग बनाते हैं। ये भी शकील अंसारी का पतंग देखिए, डिजाइन देखिए, चांद तारा बनाया है, ये बहुत पुराने पतंग है जो वासिफ भाई ने मुझे दिया था, शकील अंसारी, ये इनका लोगो है, मोहर है, देख लीजिए। शकील भाई का जब मैंने कलेक्शन स्टार्ट किया था तो सबसे पहले ये वाला पतंग हमें पसंद आया था, ये कलीदार है, ये पौना सा भी बड़ा है, देखिए आप। तो दैट्स इट गाइस, ये छोटा मोटा जो कलेक्शन मेरे पास है कोलकाता मेकर्स का, आप लोगों को दिखा दिया, आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कुछ अलग कंटेंट्स लेके, कुछ अलग पतंग लेके, विंटेज काइट लेके दिखाएंगे। टिल देन बाय, टेक केयर एवरीवन।